आपको सुबह शाम, सुबह से मतलब हुआ कि जब आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है हर दिन जागने से, और जब आप सोने लग जाते हैं, एक जीवन आपने, एक दिन का जीवन पूरा कर लिया, अब केवल आप सोने जा रहे हैं। तो ये दो समय ऐसे हैं कि जिस समय आप अपने प्रभु से जुड़े हैं, और बाकी पूरा दिन आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप उसकी नौकरी करें। जो काम आप कर रहे हैं तो यही मान के करें कि हम अपने प्रभु की नौकरी कर रहे हैं। इसमें अगर महिलाएं अपने घर में भी काम कर रही हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने घर को हम अपना तपोभूमि या तपोवन बनाएं। आपका हिमालय आपका घर है, और आप जहां हैं जिस रूप में वहीं से रास्ता भगवान की तरफ जाता है। मतलब आपको वन में भागने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही अपने आप को सुव्यवस्थित करें, और व्यवस्थित करके वहीं से आप अपने प्रभु के नाम से जुड़ जाएं, तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि भारत देश की जो ऋषिकाएं हुई हैं, सतियां हुई हैं, विदुषी महिलाएं हुई हैं, ऐसी जो विदुषी महिलाएं थी उन्होंने अपने घर में रहते रहते साधना को उस चरम तक पहुंचाया कि उनके पास अद्भुत शक्तियां थी। तो आप अपने घर में रह करके ही आप देखिए ना, अपाला, घोषा, अनुसूया, गार्गी, मैत्री, सती सुमना, इतनी सारी महिलाएं हुई, अद्भुत महिलाएं थी। अरुंधति का नाम बहुत बड़ा नाम है, अद्भुत महिला थी। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, लेकिन करना क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करूंगा। जब भी आपको समय मिले, मतलब घर से करके लोग जब नाश्ता करके और कोई ऑफिस चला जाता है, कोई अपने कार्यक्षेत्र में चले जाते हैं, तो एक तो हर महिला को थोड़ी देर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए, और फिर कोई प्रार्थना में भजन या गीत बोलकर अपने मूड को तैयार करना चाहिए भगवान से जुड़ने के लिए। और भजन वो वाले बोलिए जो प्रार्थना में भजन होते हैं, जो आप शब्द सुनते हैं ना, और जो वाणी है गुरुओं की वाणी है, अगर आप उनको देखें तो बिल्कुल ऐसी, एक एक शब्द ऐसा है कि जहां उसमें ज्ञान है वहीं साथ साथ में प्रभु से जुड़ने की प्रार्थना है, प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना है कि प्रभु मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ, मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ, तब भी जब दूसरे अशांत हो रहे हों और मुझे उद्वेलित करने के लिए, व्याकुल करने के लिए कोई कसर न छोड़ रहे हों, तब भी मैं अपने भीतर की शांति को, शीतलता को सुरक्षित रख सकूं, ये आशीर्वाद तो मुझे दे कि मेरी शांति भंग ना हो। क्योंकि दुनिया तो यही करती है, आपको हिलाना चाहती है। लोग गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे, किस लिए कि आप इतने व्याकुल हो जाएं, इतने परेशान हो जाएं। और अगर दो चार से आप नहीं हिलते तो दस देंगे। जब तक आप अच्छी तरह विचलित नहीं हो जाएं, वो कुछ ना कुछ टोकते रहेंगे, बोलते रहेंगे।
और जब आप पर असर ही ना हो तो देखा ना कि कोई बहू ना बोले और सास बोलती जाए तो उसके बाद में वो माथा पीटती हुई कहती है मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, इस पत्थर को कोई असर होने वाला नहीं। तो उसको लगता है कि टैबलेट बेकार गई सारी के सारे, इतनी मेहनत कर ली सब बेकार गया। क्योंकि आप उससे ऊपर उठ गए। आप देखते ना घड़ी पर लिखा होता है शॉक प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, तो आपको भी तो वही बनना है कि कोई भी झटका लगे तो आपको शॉक प्रूफ होना है, नहीं असर आने देना अपने ऊपर। अगर आपके अंदर असर आ रहा है तो आप हिल गए। कितने लोग होते हैं ना जो छुई मुई का पौधा बने हुए होते हैं। छुई मुई तो आपने देखी होगी, थोड़ा सा छुए तो पत्ते मुरझा जाए, तो उसको लाजवंती भी बोलते हैं लोग। तो लाजवंती वैसे नाम बहुत अच्छा है, लेकिन छुई मुई का मतलब छुई और मुई, छूते ही जो मर जाए। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनको अगर किसी ने थोड़ा टोक दिया, मजाक उड़ा दी, कुछ बोल दिया तो एकदम मुरझा जाएंगे। और ऐसे मुरझा जाएंगे, निराश होके बैठ जाएंगे, आंख में आंसू आने लग जाएंगे, कई दिनों तक उदास रहेंगे। और दुनिया देखती रहती है, जैसे बच्चे करते हैं ना, जैसे वो पत्ते मुरझा गए तो बच्चे खड़े होके देखते रहेंगे कब ये ठीक होता है, फिर दोबारा उंगली करेंगे। अगर आप मुरझाते हैं तो दुनिया उंगली करेगी, और अगर आप पर फर्क नहीं पड़ता तो लोग कहेंगे कौन टाइम खराब करेगा अपना, निकलेंगे आगे। इसलिए आपको शॉक प्रूफ होना ही है, आपको वाटर प्रूफ होना ही है, आपको फायर प्रूफ होना ही है। इसी को कहते हैं तप करना, द्वंद सहनम तपः। दुनिया के जो द्वंद हैं, संयोग वियोग, हानि लाभ, जीत हार, मान अपमान, लेना देना, पाना खोना, ये इस तरह की जितनी भी चीजें, इन द्वंद में संसार में जब आप अपने आप को बर्दाश्त करते हुए बैलेंस बना लेते हैं, संतुलन बना लेते हैं, तो कहा जाता है कि अब आप तपस्वी हो गए। तो प्रार्थना हुई कि भगवान मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखा दो, तब भी जब दूसरे मुझे उद्वेलित कर रहे हैं। और प्रार्थना के अगले शब्द देखिए, मैं प्रभु आपसे ये मांगता हूं कि मैं जिम्मेदार बनूं, समझदार बनूं, और मेरी समझदारी तब भी टिकी रहे जब ना समझ लोगों से पाला पड़े, और मैं तब भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूं जब दूसरे जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हों, तो मुझे ऐसा जिम्मेदार बना। मैं ये आशीर्वाद करता हूं।